अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है संडे और बहुत ही खूबसूरत हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और मौसम बहुत अच्छा है। शुक्र है अल्लाह का कि धुंध नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है आपको अंदरून लाहौर की सैर करवाई जाए, तो इसीलिए मैंने भाई के साथ, मैंने कहा चले आए प्लान करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा हुआ अंदरून लाहौर, उनको असल लाहौर दिखाते हैं, क्योंकि असल लाहौर तो होता ही यही है। बाहर जो लाहौर फैल गया वो असल लाहौर नहीं है, असल लाहौर यही है। तो इंशाल्लाह जितना हो सका आपको हम विजिट करवाएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए जी, अंदरून लाहौर के बाजार। गंदगी तो वैसे बहुत ज्यादा है यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन असल रौनक यहीं पर है। ये देखिए, यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, कहीं पे भी लोग आके जो है ना लगते थे। ये देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ जो है खरीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं। अच्छा जी, ये है जी हमारा अंदरून लाहौर का शाही हमाम, जिसको कहते हैं। अंदर एंटर होते हैं, दिखाते हैं आपको आज लाहौरी क्या कर रहे हैं संडे वाले दिन। ये देखिए, अच्छा जी, यहाँ एंटर होने के लिए आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी, ठीक है। 100 रुपीज़ की मेरे ख्याल से टिकट होती है, तो टिकट लेके ही ये फिर जो उनसे अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पे, माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें, लाहौरी आज फुल खानों में मसरूफ है, संडे है ना आज। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट भी दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज़, मुकामी सियाह 50 रुपीज़, गैर मुकी सियाह 400 रुपीज़। यहाँ आए और इसको देखे और याद करे। ये देखें, ये इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। ये देखें, यहाँ पे हम आके देखते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। हाँ, ये देखें, अवार्ड ऑफ मेरिट। ये देखें, इनको कल्चरल हेरिटेज, इसका कंजर्वेशन, इसका 2016 में अवार्ड भी मिला हुआ है। माशाल्लाह, हमारा लाहौर जो है ना, किसी चीज से कम नहीं है। देखें, ये सामने जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चीजें बनी हुई हैं, ये इन्होंने छोटे छोटे पीसीस जो है ना लगाए हैं, कि मतलब उस तोड़ के ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ये देखें, ये देखें, इतना प्यारा है। चल जी, चलते हैं आप। ये अब हम जा रहे हैं जी ऊपर, ऊपर की तरफ। बिस्मिल्लाह, ये हम स्टेयर्स जा रहे हैं। आई थिंक ऊपर जो है उन्होंने क्लोज किया हुआ है, तो हम वापस नीचे की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ से चलते हैं। ये देखें, इतनी मतलब जगह है। ये देखें जी, ये मेरे भाई साथ हैं मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने उनको कहा कि जी मेरे साथ चलें, जाके आज विजिट करते हैं। ये देखें, ऐसे करते हैं। चल जी, ये हम कहाँ आ गए हैं। ये जी लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरह का, इस तरह के ठंडे पानी के छोटे तालाब मखसूस लोगों के लिए होते थे, जिनको हमामी की खिदमात हासिल होती थी। हमाम में ऐसे तालाब और जगहों पर पाए गए हैं, इन तक पानी की रसाई ऊपर बने हुए आबशारों से होती थी। ये देखिए, ये आबशार बने हुए हैं, यहाँ से पानी जो उनसे आता था नीचे की तरफ। मतलब बनाने वाले ने देखें कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है हर चीज़, क्योंकि बादशाह मुगल दौर के थे जो से लोग थे, वो कहते थे कि मतलब हमारी चीज़ सबसे यूनिक होनी चाहिए, हमारी जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। देखिए नीचे भी कुछ जा रहा है, स्टीम टाइप है, ये मेरे ख्याल से वही पानी का हो, स्टीम जी क्या बोल रहे थे आप भाई, मुझे सॉरी बता दें। ये स्टीम के लिए गरम गरम, 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 बात थे जिसमें कुछ
ठंडे पानी के भी हैं, कुछ गर्म पानी के भी हैं, जैसे सोना लाल वगैरह। अच्छा, नीचे से पानी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, कितना खूबसूरत है सुनी जी। आज ये देखें जी, ये क्या, कौन सी जगह है ये देखें, ये यहाँ पे नहाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे जो से मेल हजरात थे, ये शाही हमाम का है, ये यहाँ पे भी लोग जो से है ना बैठ के नहाते थे, क्योंकि सारा ये जो देखे ना यहाँ से ऊपर से आबशार आती थी, तो सारा ये एरिया जो है ना ये मिहाल से नहाने के लिए ही है। ये देखिए उन्होंने पिक्चर्स भी साथ साथ बनाई हुई है कि किसी को मुश्किल ना हो, तस्वीर देख के ही आइडिया हो जाए। चले जी, ये देखिए, ये नीचे भी इतनी माशाल्लाह से सुरंगें और चीजें बनी हुई हैं, इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं सिर्फ पानी के लिए। देखिए ऊपर से जैसे आबशार आती थी, ये सारा पानी के लिए। ये देखिए, ये वो यहाँ से पानी का जो सा है वाटरफॉल फवारा जो सा होता है वो निकलता था यहाँ जी। चलें जी पढ़ के भी दिखा देते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन्होंने। ये कमरा हमाम के गिर्द खाना एक हिस्सा है, हमाम के गर्म खाना का एक हिस्सा है, जिसका फर्श जिस्वी तौर पर दोबारा तमीर किया गया ताकि पानी की बहम रसाई और कमरे को गर्म रखने के इंतजामात की नुमाइश की जा सके। कमरे के फर्श के नीचे खश्ती सुरंगें बनाई गई थी, पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं सुरंगों से गुजरकर कमरे के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता है, जिससे फर्श और तमाम कमरा गर्म हो जाता। गर्म पानी जेरे फर्श बनी नाली में चबूतरे के दरमियान बने फुवारे से आता और चबूतरा जिस्म की रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता। इस कमरे का रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदानों में से अब तक रह जाने वाला वाहिद रोशनदान है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ गर्म पानी के लिए जो है ना सारा सिस्टम बनाया हुआ था। ये नीचे सुरंगे हैं छोटी छोटी, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। बनाने वाले का माशाल्लाह से दिमाग बहुत ही कोई इंटेलिजेंट बंदा था। ये देखिए करते हैं आप, ये देखें जी, ये इन्होंने पुराने तर्ज का बनाया हुआ है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत हर चीज। ये जी, ये अंदर जाके हम देखते हैं, ये भी कुछ एंटीक पीस रखे हुए हैं इन्होंने। ये देखिए, आई लव लाहौर, मी टू। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए, ये तस्वीरें बनाई हैं अंदरूने लाहौर की। मुख्तसर छोटा सा इन्होंने शॉप बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट करती है लोगों को अपनी तरफ। ये देखिए जी, बहुत, ये देखिए मैं बाहर से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ट्रेडिशनल बाजार है, हमारे ऊपर घर बने हुए हैं सारे आसपास। ये है जी अंदरूने लाहौर, असल लाहौर जिसको कहते हैं। इधर पे ये देखें जी, इधर पे लोग बैठ के खाने छाने, ये देखें यहाँ पे खाने का इंतजाम उन्होंने किया हुआ है, छोटे से रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आके लोग एक तो विजिट्स वगैरह करते हैं और ऊपर से खाना भी इंजॉय करते हैं लाहौर का। चलिए जी, अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा अंदरूने लाहौर है, असल लाहौर। आज मैंने सिर्फ आपको जो सा अभी शाही हमाम ही विज़िट करवाया है, तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा यहाँ पे, विज़िट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा कि जो हमारी पुरानी रवायात हैं लोग जो से है ना अंदरूने लाहौर को भूलते ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सेटअप इसलिए बनाया है कि लोग दूर से आएँ और देखें कि लाहौर की क्या रवायात थी, क्या लाहौर था
लाहौर असल लाहौर क्या था। तो ये मतलब कि देखने वाली चीज़ें हैं हमारी नई जनरेशन के लिए भी, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।